हेलो एंड वेलकम टू करियर टॉक बाय शुभम पाठक। और आज हमारा पांचवा लेक्चर है मैट्रिक्स सीरीज में फॉर लीनियर अलजेब्रा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। पिछले लेक्चर में हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तक बात करी थी, तो इस वाले लेक्चर में हम लोग चेक करेंगे कि ऑपरेशंस क्या हैं मैट्रिसेस के। लाइक फर्स्ट टॉपिक है आपका एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स के, आपके पास मान लो मैट्रिक्स ए है, ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, सी वन सी टू सी थ्री। ठीक, ये एक मैट्रिक्स आपके पास हो गई। अब आपको कैलकुलेट करना है एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए कैलकुलेट करने के लिए आपको ए का मॉड कैलकुलेट करना पड़ेगा। लेट से इट इज मॉड ए, तो आपको एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करनी है। कोफैक्टर मैट्रिक्स कैलकुलेट करने के लिए आपको हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है। ठीक है, तो जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि अब हम लोग एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। तो आपने मान लो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने मैट्रिक्स ले लिया ए आई जे, मैट्रिक्स का आपके पास एलिमेंट है ए आई जे। इसका जो कोफैक्टर होगा वो होगा सी आई जे, दैट विल बी इक्वल टू माइनस वन की पावर आई प्लस जे, और ब्रैकेट में बचेगा कि उस एलिमेंट को आइसोलेट करने के बाद जो आपके पास डिटर्मिनेंट बचा है वो, यानी सब मैट्रिक्स जो ये माइनर जो आपका बन रहा है ना, जो माइनर मैट्रिक्स आपकी बन रही है इस एलिमेंट को हटाने के बाद, उस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेंट यहाँ पर लिखना है जो माइनर मैट्रिक्स है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ए वन को देखोगे तो उसको अगर आप आइसोलेट करोगे तो आपके पास एक माइनर मैट्रिक्स बनेगी बी टू बी थ्री सी टू सी थ्री। लेट से ए वन वन का आपने सी वन वन कैलकुलेट किया, माइनस वन की पावर वन प्लस वन, ब्रैकेट में जो माइनर मैट्रिक्स है वो आएगी बी टू, तो बी टू सी टू, बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स आपके पास बचा माइनर मैट्रिक्स, उसका डिटरमिनेंट आप लिख देंगे बी टू सी थ्री माइनस बी थ्री सी टू, ये आपका सी वन वन आ गया। इसी तरीके से आप लेट से कैलकुलेट करेंगे सी टू वन। ठीक है, तो सी टू वन कैलकुलेट करेंगे तो आएगा माइनस वन की पावर टू प्लस वन। ठीक है, तो बी वन को जब आप एलिमिनेट करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बच जाएगा वो बन जाएगा बी टू बी थ्री सॉरी ए टू ए थ्री एंड सी टू सी थ्री का माइनर मैट्रिक्स आपके पास बच जाएगा। तो उस माइनर मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा वो आपने कैलकुलेट करके लिखना है। तो जो आप, तो ये मैट्रिक्स आप आपके पास है बी वन आपने निकाला, तो देखो क्या बचा ए वन ए टू ए थ्री और सी टू सी थ्री। ठीक है, इसका वैल्यू आएगा ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू। इसी तरीके से आप बाकी के कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं हर एक एलिमेंट के। तो आप सारे एलिमेंट्स को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर देंगे, तो जो आपके पास मैट्रिक्स आएगी वो कोफैक्टर की मैट्रिक्स आएगी। तो आपका, आपने जब सी टू वन कैलकुलेट किया तो आया माइनस के साथ ए टू सी थ्री माइनस ए थ्री सी टू, ये आपका आ गया सी टू वन। इसी तरीके से आपने पूरी मैट्रिक्स बना ली कोफैक्टर्स की। लेट्स से फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैट्रिक्स बनी ए वन ए टू ए थ्री, बी वन बी टू बी थ्री, ये इनके कोफैक्टर्स हैं सी वन सी टू सी थ्री। ये बेसिकली कोफैक्टर मैट्रिक्स बन गई, यानी हर एलिमेंट के कोफैक्टर को उसके कैपिटल से रिप्रेजेंट मैंने किया हुआ है। लेट्स से इट इज सी। ठीक है, इसको सी को सी वन से कंफ्यूज मत होना। इस मैट्रिक्स का अब आपने करना है ट्रांसपोज। तो जब आप सी का ट्रांसपोज लेंगे, यानी टेक अ ट्रांसपोज ऑफ अ कोफैक्टर मैट्रिक्स, यानी सी कोफैक्टर मैट्रिक्स, इसका आपने ट्रांसपोज ले लेना। जब आप इसका ट्रांसपोज लेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास ए वन ए टू ए थ्री वर्टिकल कॉलम, सेकंड कॉलम आएगा बी वन बी टू बी थ्री, और थर्ड कॉलम आएगा सी वन सी टू सी थ्री, यह आपका थर्ड कॉलम आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू जब आ गई आपके पास, ठीक है, जो आपका ट्रांसपोज निकल करके आया है, ठीक है,
एक मिनट, ये जो आपकी मैट्रिक्स निकल के आई, ये आपकी है एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ए इज इक्वल्स टू सी ट्रांसपोज, मतलब एडजॉइंट निकालते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आता है इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई, ठीक है, मॉड ए इंटू आई ये आता है। तो एडजॉइंट जो आपका जो एडजॉइंट आया आपका वो कोफैक्टर का ट्रांसपोज लेने के बाद आ गया है, ठीक है। ये भी अब आके एक आइडेंटिटी रिजल्ट है, ये आप इसको वेरीफाई करना है आपने कि सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ये आता है या नहीं आता। अब ए वन ए टू ए थ्री बी वन बी टू बी थ्री सी वन सी टू सी थ्री की जो वैल्यूज ऊपर आपने कोफैक्टर के माध्यम से निकाली हैं, जब आप उनको सब्सटीट्यूट करेंगे, ठीक है, जब आप इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मिलेगी मॉड ए ज़ीरो 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 मॉड ए ज़ीरो 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 मॉड ए। ये मैट्रिक्स कब मिलेगी, जब आप एडजॉइंट ऑफ ए में ए का मल्टीप्लाई करेंगे, ये मैट्रिक्स आप देख रहे हैं, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आया मॉड ए इंटू आई। ये कब आएगा, ए और इसमें ए का मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, सी ट्रांसपोज यानी जो एडजॉइंट ऑफ ए है आपके पास, देखिए आप उसमें ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए कर लीजिए तो आपके पास ये वैल्यू आएगी जो आपने मॉड ए के वाली आपको मैट्रिक्स मिली। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई। यहाँ पर इसको करेक्शन कर लीजिएगा, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई की जगह एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए आएगा, आई गलती से लिख दिया मैंने। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए एंड दैट इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई, ये आपका रिजल्ट आ गया। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आपको याद रखना है, इसका यूज हम आगे अभी करेंगे, करने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपने कैलकुलेट करना है इनवर्स ऑफ ए, तो इसी रिजल्ट का हम लोग यूज करेंगे इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। देखो आपने दिख रहा है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ए इंटू आई है, तो इस रिजल्ट को आप करिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हम लोग इन्वर्स निकालते हैं किसी मैट्रिक्स का। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू आई, ए को आप नीचे ले जाइए दूसरी तरफ, तो आपको दिखेगा एडजॉइंट ऑफ ए दैट विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए आई इंटू ए इन्वर्स, क्योंकि ए जब दूसरी तरफ आएगा तो ए इन्वर्स बन जाएगा, ठीक है। हाँ तो किसी मैट्रिक्स में आप आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो डिसॉल्व हो जाता है, वही मैट्रिक्स के बराबर बन जाता है, तो आपका आंसर आएगा मॉड ए इंटू ए इनवर्स। तो एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मॉड ए इंटू ए इनवर्स। तो अब आप मॉड ए को नीचे ले आइए तो आपको रिजल्ट मिलेगा ए इनवर्स इज इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई मॉड ए, ये आपको ए इनवर्स की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। यहाँ पर आपको एक पॉइंट नोट करना है कि मॉड ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ज़ीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वरना आप उसका क्या इन्वर्स नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अगर मॉड ए ज़ीरो हो गया तो ए इनफाइनाइट हो जाएगा, यानी इफ मॉड ए इज इक्वल टू ज़ीरो तो टेंस टू इनफाइनाइट ही चला जाएगा, यानी नॉट डिफाइंड। तो बेसिकली ए इनवर्स विल नॉट बी डिफाइंड फॉर दैट मैट्रिक्स, फॉर सिंगुलर मैट्रिक्स। तो यानी ए शुड नॉट बी, मॉड ए शुड नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी ए को नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना मस्ट है, वरना उसका हम लोग वैलिड ए इनवर्स नहीं कैलकुलेट कर सकते, ठीक है। चलो तो आज की क्लास में बस इतना ही, अगली क्लास में अपन लोग बात करेंगे, ठीक है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, लाइक करिए, और आप कोई भी इश्यूज हैं, कुछ भी दिक्कत है तो मुझे बताइए, अगली क्लास में मिलते हैं, ओके। सो अगले में हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशंस वगैरह बात करेंगे, जो कि थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो अगली क्लास में बात करेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच।